बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट में आपने देखा होगा कि एक हीरो कंप्यूटर ऑन करके ऑनलाइन डॉक्टर की सलाह पर महिला की डिलीवरी करवा देता है। लेकिन आज हम आपको बिहार के कैसे इडियट डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने की ऑपरेशन के लिए यूट्यूब को असिस्टेंट बनाया। एक नौजवान लड़के की इस पूरी प्रक्रिया में उसने जान ले ली। बिहार में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना कैसे परिवार को जिंदगी भर का जख्म दे गया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नीम हकीम खतराए जान, कहावत पुरानी है लेकिन कथनी की कीमत 15 साल के गोलू साह को भुगतनी पड़ी। खबरों के मुताबिक भोवालपुर गांव के 15 साल के लड़की की तबीयत खराब होने के बाद उसे सारण जिले के मढ़ौरा में बने गणपति सेवा सदन अस्पताल लाया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ इस लड़के की जान ले ली बल्कि पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। लड़के को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन गणपति सेवा सदन में मौजूद झोला छाप डॉक्टर ने लड़के का ऑपरेशन कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना आता ही नहीं था और डॉक्टर ने यूट्यूब ऑन करके लड़के का ऑपरेशन कर डाला। परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर मोबाइल पर यूट्यूब देखकर ऑपरेशन कर रहा था और इस दौरान मृतक के पिता को डॉक्टर ने कंपाउंडर के साथ डीजल लाने के लिए भेज दिया। जब 15 साल के गोलू का पेट दर्द तेज होता गया तो उसके दादा प्रहलाद ने झोला छाप डॉक्टर से इसकी शिकायत की तो डॉक्टर ने मृतक लड़के के दादा को डांटकर भगा दिया। बच्चे का साथ यही हुआ है कि उल्टी हो रहा था, वो बंद कराने के लिए गए, वो अपना जो है सो बार बार मोबाइल देखता था यूट्यूब देख करके, और जो है सो डीजल के लिए बाप को भेज दिया, आपने ऑपरेशन कर दिया। कैसे ऑपरेशन कर दिया? मोबाइल देख करके ही ऑपरेशन किया है। मौत के बाद गोलू साह के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने मौके पर जाकर क्लिनिक की जाँच की और किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। लेकिन झोला छाप डॉक्टर की इस हरकत ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक किशोर की का ऑपरेशन कर दिया गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई, और इस मामले में स्वास्थ्य प्रशासन जो है लगातार ये दावा करता है कि फर्जी नर्सिंग होम और जाली चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कार्रवाई कहाँ होती है यह पता आम लोगों को नहीं लगता। परिवार सदमे में है, एक माता पिता के बुढ़ापे का सहारा एक इडियट डॉक्टर की मूर्खता की भेंट चढ़ गया और सिवाय पछतावे और कानूनी कार्रवाई का कोई चारा भी नहीं बचा। जान लेने वाला डॉक्टर और क्लिनिक के कर्मचारी फरार हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राकेश छपरा, जी मीडिया।